मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के बज चुके हैं 11। अभी मैं हूँ फिलहाल दिल्ली में। दिल्ली से मैं निकलने वाला हूँ उत्तराखंड। अभी मेरे साथ है आकाश और ये फ्रेश होकर के तैयार वैर हो चुका है। हम लोग यहाँ से उत्तराखंड निकलेंगे, वहाँ की राइड कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग कैसे उस सफर को तैयार करते हैं वो आप इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला, बिकॉज तो बहुत ही कुछ रिकॉर्ड करके आप लोग को इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। अभी हमारा वेट कर रहे हैं संगम भाई, विनोद भाई एंड दिलवर भाई। अभी हम सब उनसे रास्ते में मिलेंगे, वो हम लोग रास्ते में ज्वाइन करेंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या हाल है? बढ़िया। किधर थे? इधर थे, इधर थे। विनोद भाई अभी आए नहीं है, कब तक आएगा? नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मिलने वाले थे, लेकिन अभी ये नोएडा 18 मिल चुके हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग विनोद भाई का वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिले वो कर दिया अपने हिसाब से, और हम लोग तो एक्चुअल टाइम पे हैं, जो टाइम पे हम लोग को दिया गया था, जो टाइम पे हम लोग आने वाले थे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं विनोद जी का, जब वो आ जाएंगे फिर हम लोग आगे उत्तराखंड की तरफ निकलेंगे। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? संगम आ रहे हैं वो पैदल। भाई साहब पब्लिक देख रही, हाय बोल दो कम से कम बस। भाई अरे रुक जा, तो पहले मुझे दे। हेलो दिलवर भाई, बड़े इंतजार करवाया आपने। जब तक है कैसे भाई साहब, कट करना पड़ेगा। मैंने पूरा 5:30 बजे आ जाऊंगा। तुमने बोला था नोएडा सिटी सेंटर पर होटल होगा। अरे तो भाई मिलना नोएडा का कोई बात नहीं है। रेनकोट भी है और पॉली बैग भी है, सब कुछ व्यवस्था है। रेनकोट है ना? हाँ भाई, मैंने इतना बड़ा पॉली बैग लिया कि हम तीनों का बैग आ जाएगा उसमें और आराम से बांध लेंगे। आपका कहाँ है बैग? बस वही पीछे है। अरे हाँ यही वाला बताइए। कह रहे सर सर्दी बहुत है, मैंने कोई बात नहीं दो दो जैकेट और बताओ। कह रहे सर फिर तो सही है, इसीलिए हुआ है। कह रहे सर्दी बहुत बढ़ गई यहाँ पे। मैंने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो अभी यहाँ से नोएडा सेक्टर से हम लोग गाजियाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो नमः पार्वती पते हर हर। जाने वाली मेरठ रोड पर स्टॉप अभी किए हैं, बिकॉज फोटो सेशन करने के लिए। 3 बाइक 5 लोग हम लोग यहाँ से निकलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। अभी हम सब मेरठ में स्टॉप लेंगे। संगम भाई ये रूट का, हर हर महादेव, सबसे पहले ये रूट का डिसाइड इन्होंने किया है क्योंकि एक बार ये जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस रूट से जाएंगे, मतलब मेरठ में तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, मेरठ के बाद कौन सा रूट होगा हमारा? हम मेरठ से आगे जाएंगे मुजफ्फरनगर, वहाँ से रुड़की, वहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से अगर बैराज वाला रास्ता खुला मिला तो हम ऋषिकेश स्केप करके सीधे देवप्रयाग निकल जाएंगे। अगर रास्ता खुला नहीं मिला तो फिर हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से अगर हमें पुलिस वाले आगे अलाउ करते हैं रात में चलना तो फिर हम देवप्रयाग श्रीनगर होते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम ऋषिकेश में स्टे। क्योंकि क्या है ना कि रात में पहाड़ों वाली इलाके जो रास्ता होती है वो बंद कर दी जाती है और अनसेफ भी माना जाता है। वैसे तो हमारे घर वालों ने मना किया है कि रात में राइड नहीं करना है। तो अभी हम सब यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार, आज आई थिंक मतलब रात तक कवर कर देंगे हम लोग। हाँ ऋषिकेश तक, ऋषिकेश तक आई थिंक कवर कर देंगे। तो जैसा भी होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे और क्या क्या रास्ते में हम लोग ले जा रहे हैं, क्या क्या नहीं ले जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ अपडेट करेंगे इस वीडियो में। एंड मिलते हैं आपसे अगले स्टॉप पर। करने के बाद भी हम सब एक ढाबे पर रुके, बिकॉज रात के बज चुके हैं 10, भूख भी काफी लगी हुई है। यहाँ खाना खाने के बाद आगे की फिर राइड हरिद्वार के लिए कंप्लीट करेंगे। तो इसी होटल पे हम लोग खाना खा लिए, जो पनीर की सब्जी थी वो मजा नहीं आई, कढ़ाई पनीर थी।
मतलब थोड़ा सा खट्टापन था, मतलब ख़राब हो गया था पनीर, तो तुरंत हम लोग मिक्स वेज बनाए, वो थोड़ा अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने 5-5 रोटी काट लिया भरपेट, और सभी लोगों ने जैकेट डाल लिया है। अच्छा सर, जैकेट क्यों डाल लिए, ठंड लग रही है क्या? नगर निगम वाले भाई साहब, कूड़ा उड़ा उठाएंगे भी थोड़े से। नहीं, लोग मजाक कर रहे हैं, वो ये इसलिए पहने हैं ताकि ये जब आगे निकले तो हम लोग इनको देखते हुए पीछे फॉलो अच्छे से कर पाए। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है, ये सेफ्टी के लिए है, बाकी आप गलत मत समझिएगा। देखिए, एक गलती विनोद भैया ने किया है, क्या कि ये जो हेलमेट लिया है ना, उसको इस कलर में लिया है, तो रात में ये दिक्कत करता है, ये इनको ध्यान में नहीं था, इनको ऐसा नहीं लगा था। पर आपको बता देते, अगर कभी आपको लॉन्ग रूट में निकलना हो जिसमें आपको रात में भी चलना हो, तो इस तरीके का हेलमेट ना ले, इस तरीके का ले जिसमें आपका व्हाइट वाला रहे। बाकी अगर दिन में चलना है तो वो बेस्ट है, अच्छा लग रहा है इससे। बाकी हम लोग अब चलते हैं आगे, सभी लोग रेडी हो गए। करीब दिल्ली से हम लोग 6 बजे निकले थे और अभी बज चुके हैं 12। हरिद्वार में मैं भाई लोग का वेट कर रहा था, बाकी मैं थोड़ा सा आगे राइड करके निकल गया था। बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आ रही है, बिकॉज पीछे नदी बह रही है और हम लोग हरिद्वार के रोड पर खड़े हैं। यहाँ से निकलेंगे हम लोग ऋषिकेश की तरफ। काफी थकावट फील हो रहा है मुझे। ये फंस गया सी है। ये बताए थक जाएगा अपने, ठीक है, और परेशानी देगी इसे और कह देगा मैं थका नहीं हूँ, ये थका है मुझे। गजब का मजा है ये। देखो भाई, कभी हार नहीं माननी चाहिए, बात ये है, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आती आनी चाहिए। तो अरे भाई साहब, रिकॉर्ड हो रहा था। नहीं, सो अभी हम सब निकलेंगे यहाँ हरिद्वार से। सो बाबा का नाम लेंगे एक बार फिर से, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रात के करीब बज रहे हैं 1:30 और हम सब ऋषिकेश टू शिवपुरी रोड पर हैं। काफ़ी घना जंगल है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है, क्योंकि झरने की आवाज़ मेरे अगल बगल से आ रही है। और किधर से आ रही है और कहाँ आ रही है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अंधेरा सारा है और भाई का बैग थोड़ा ढीला हो गया। 3 बाइक है हमारे पास, एक मेरी, एक दिलवर भाई की और एक संगम भाई और विनोद भाई उधर हैं, और थोड़ी सी बाइक का ये बैग जो है ढीला हो गया। रास्ता भी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुझे इस रास्ते पर। तो देखते हैं अभी कितनी किलोमीटर तक हम लोग कवर कर पाते हैं इस रास्ते को। कौन, क्यों? अच्छा कि अच्छा, क्यों क्यों पूछ रहा था वो ऐसा? हाँ ऐसा है, हाँ शिवपुरी की बात कर, आगे में मत जाना उसके। बोला अच्छा, उससे आगे नहीं जा रहा है, क्या है दिल्ली की गाड़ी है, इसके नंबर ही नहीं पड़ा है, आगे आगे देख। आगे मैं था, हमारे पास कोई गाइड वाइड कुछ था नहीं, और वो दिल्ली का नंबर। तो अभी हम सब इस रोड को आगे कंटिन्यू करेंगे इस घने जंगलों के साथ और नेचर की अच्छी वाइब्स के साथ, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद आगे। करेक्ट 2:10 हो रहा है, ठंड लग रही है, थोड़ा ठंड लग रही है, अभी गलन चालू हो गई है यहाँ से। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पियेंगे। हाँ जी, तीन धारा के पीछे जगह का नाम है ना ये, आगे तीन धारा है और उसके बीच में हम लोग एक छोटा सा टफरी है, वहाँ पे थोड़ा सा चाय की चुस्की लेंगे और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे, बिकॉज उसकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ी बहुत झपकी भी आ रही है आकाश को, तो वो तो जाहिर सी बात है। ओहो, भाई साहब को भी आ रही झपकी। अरे कुछ भी हो, लेकिन जिस काम को करने के लिए आए हैं हम लोग, वो तो काम जरूर करेंगे। अच्छा, बीच बीच में हमें लैंडस्लाइड भी मिली है, काफ़ी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे लैंडस्लाइड और गलन, और बीच बीच में हमें क्लाउड मिला है, जो कि हम लोगों ने देखा और रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज कैमरे में कैद ही नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी आकाश को थोड़ी बहुत नींद आ रही है या झपकी आ रही है, अरे बाप रे बाप, ठीक है, हम तो भाई रात के सफ़र वाले हैं, हम तो जागते रहते हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग चाय की चुस्की लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद फिर। हाँ,
तो अभी हम सब तीन धारा रोड से अब हम लोग निकलेंगे देवप्रयाग की तरफ, और देवप्रयाग की यहाँ से करीब 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 दूरी है 40 किलोमीटर। तो अभी हम लोग यहाँ से 40 किलोमीटर की राइड, थोड़ी हार्ड राइड है क्योंकि रात का समय है, तो भाई साहब कर्व रास्ता बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब वैसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि रात का समय है। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद देवप्रयाग में। रिफ्रेशमेंट चाहिए अभी, उसको नींद आ रही है। और अच्छा, बादलों के बीच में से जाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अरे दिखने की बात नहीं, लेकिन तुमको फोटो दिखाया था। अभी बज चुके हैं 3:30 और अभी हम देवप्रयाग मार्ग पर हैं थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की झपकी आ रही थी, तो हमने सोचा कि पानी की बूंदे कुछ मार ली जाए। तो ये देवभूमि है उत्तराखंड, तो पानी शुद्ध हमेशा हर जगह मिलेगा आपको, चाहे वो झील से चाहे वो झरना से, कहीं से भी निकले वो पानी आपका बहुत ही प्योर और बहुत ही प्योरीफाइड पानी होगा, आप उसे पी सकते हो। तो हम लोगों ने अभी आंखों पर छपाक मारी क्योंकि नींद आ रही थी, आकाश को तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी इस रोड को और कंटिन्यू करेंगे आगे देवप्रयाग में। काफ़ी घना जंगल रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्लाउडी मिला, तो उसमें से जाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और कुछ दिख भी नहीं रहा था हम लोग रास्ते में, लेकिन फिर भी हम लोग राइड को कंटिन्यू किए विद सेफ्टी के साथ, और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और आगे की जो चीज़ें अपडेट करने वाली हैं वो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर बाद। तो काफ़ी लंबी दूरी रात भर की तय करने के बाद अभी हम सब पहुंच रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ, और रास्ता काफ़ी लंबा है, बहुत कठिनाइयों से भरा था, और रात से सुबह हो चुकी है फिर भी हम लोग का राइड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, के साथ साथ नींद भी काफ़ी लग रही है और झपकी भी आई कई बारी, तो हम लोगों ने पानी के छपके अपने आँख पर मारे। सुबह की बहुत अच्छी वाइब्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं अब आपसे सोनप्रयाग में। क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कैमरे में कैद होगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार है और बहुत ही शांत है। आई थिंक मे बी जो हमारा ये सफ़र है बहुत ही खूबसूरत रहा इस चीज़ को देख करके। अभी करीब 7:46 मतलब 8 करीब बज गए हैं, और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से दिखाई दे रहा है कि 75 किलोमीटर अभी है केदारनाथ, फिर हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू। अभी हम लोगों ने आराम नहीं किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 20 मिनट चाय नाश्ता में ही आराम किया है कल रात से, और ये लोकेशन कुछ इस तरीके का। जितना भी हमने मेहनत की है बनारस मतलब काशी विश्वनाथ से केदारनाथ आने में, वो सारा सफल हो गया हमारा, थक चुके हैं क्योंकि आराम नहीं किए हुए हैं, फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जल्दी हम लोग पहुँचते हैं आराम करने वाली जगह हर हर महादेव, और निकलते हैं आगे की ओर। विजिट मोस्ट डेंजरस प्लेस इन अर्थ।
अभी हम रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की तरफ बढ़ रहे थे और ये खूबसूरत नेचर हमारे पीछे बैकग्राउंड में जैसा कि आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा फोटो सेशन कर लिया जाए, हम लोगों ने फोटो भी सेशन किया, फोटोग्राफी थोड़ी सी की और बहुत ही अच्छे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए। बाइक से आने का एक मेन पर्पस ये है कि आप कहीं भी बाइक को किनारे खड़ा करके आप फोटो सेशन और बाकी सिनेमेटोग्राफी शूट आप कर सकते हो। तो काफ़ी मेहनत लगा बाइक से यहाँ पे आने में, लेकिन मेहनत जो है वो सफल हो गई, मेहनत रंग लाई। तो बाकी आप ये बैकग्राउंड में खूबसूरत नेचर देख सकते हो। अभी हम सब चल रहे हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग से आगे सोनप्रयाग की तरफ, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। काफी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कंप्लीट करने के बाद हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अभी यहां पर हम लोग बाइक स्टैंड में बाइक खड़ा किए हैं। इसकी प्राइस है 12 घंटे का 50 रुपए और 24 घंटे का 100 रुपीज। तो हम लोगों ने बाइक अपनी यहाँ पार की है और उसके बाद बाकी सारे लोग रिफ्रेशमेंट लेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से मेन जो चढ़ाई है बाबा केदारनाथ धाम की, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सोनप्रयाग आने के बाद सबसे पहले आपको दो काम करने होते हैं। एक, सबसे पहला अगर आप बाइक से आए हो तो बाइक को यहाँ पे पार्किंग जोन में अपना बाइक पार करो और उसके बाद लॉकर रूम में अपना सामान लॉक करने के बाद आगे यहाँ से सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट टैक्सी होती है, जो कि पर्टिकुलर सारे लोगों के लिए चलती है। तो एक पर्टिकुलर एक उसका प्राइस होता है। तो यहाँ से आपको गौरीकुंड तक आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। गौरीकुंड के बाद ट्रैक को कंटिन्यू करेंगे आप। तो इस ब्लॉग को, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार एंड हर हर महादेव।